हमारा पासपोर्ट इस मैडम के पास है, ठीक है। ये 70 लाख रुपए का घोटाला करके भाग चुकी है। अभी एक पासपोर्ट का ये 5000 रुपए मांग रही है। इसका नंबर भी भेज दिया, इसका फोटो भी भेज दिया, ठीक है। अब जैसे हो वैसे इसको कॉल करो, इससे जो है बात करके पासपोर्ट निकालो, ठीक है। ये 70 लाख रुपए का घोटाला करके। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम अलैकुम। आप लोग को मालूम होगा कि मैं हर फ्रॉड एजेंट के खिलाफ में वीडियो बनाता रहता हूं और लोगों को बताता रहता हूं ये एजेंट और ये ऑफिस वाले कैसे लोगों का साथ फ्रॉड करते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, एक दिल्ली में ऑफिस था, अभी है नहीं, वो 70 लाख रुपया और लोगों का पासपोर्ट लेकर भाग गया है। और पैसा तो पैसा, वो पासपोर्ट वापस करने के लिए भी ना वो 5000-5000 रुपया और मांग रहे हैं, फिर वो पासपोर्ट वापस करने को बोल रहे हैं। और मैं इसीलिए बोलता हूँ, आप लोग किसी का भी वीडियो देख के किसी ऑफिस या एजेंट पे आप लोग भरोसा ना कीजिए। और मैं आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, जब हम लोग घर पे रहते हैं ना तो हम लोग को विदेश जाने का बहुत जल्दबाजी रहती है, इसी जल्दबाजी का फायदा ये फ्रॉड एजेंट लोग उठा लेते हैं दोस्तों। और आप लोग को मालूम होगा या देखे भी होंगे, गाँव-गाँव में जाके या शहर शहर छोटे छोटे शहर में जाके चौराहा पे जाके एक ये लोग टेम्पा ले लेते हैं और उस पे बोर्ड पे लिखवा देते हैं विदेश जाने का सुनहरा मौका। और कोई छोटा सा कहीं पे दुकान ले लेंगे या कोई ऑफिस खोल देंगे 1 महीने के लिए 10 दिन के लिए, और हम लोग वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट और पैसा एडवांस वहाँ पे जमा कर देते हैं और इंटरव्यू के नाम पे 2-4 सवाल वो लोग पूछते हैं और हम लोग को बोलते हैं आपका काम 45 से 50 दिन में हो जाएगा और हम लोग अपना पासपोर्ट और पैसा देके घर आ जाते हैं। ऐसे में हम लोग को 7 फ्रॉड होता है दोस्तों। ऐसा ही फ्रॉड हुआ है दिल्ली में। पहले जो भाई वीडियो बना के भेजे हैं, पहले उनका आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर हम आगे आप लोग से बात करते हैं दोस्तों। मैं इसलिए सबूत लगाता हूं दोस्तों वीडियो में, कहीं आप लोग के साथ फ्रॉड ना हो जाए और आप लोग को नॉलेज मिले कि ऐसा ऐसा भी फ्रॉड गल्फ के नाम पे होता है दोस्तों। पहले उनका आप लोग वीडियो सुन लीजिए, फिर हम आगे बात आप लोग से करते हैं दोस्तों। दिलीप, तुम्हारा पासपोर्ट इस मैडम के पास है, ठीक है। ये 70 लाख रुपए का घोटाला करके भाग चुकी है। अभी एक पासपोर्ट का ये 5000 रुपए मांग रही है। इसका नंबर भी भेज दिया, इसका फोटो भी भेज दिया, ठीक है। अब जैसे हो वैसे इसको कॉल करो, इससे जो है बात करके पासपोर्ट निकालो, ठीक है। ये 70 लाख रुपए का घोटाला करके भागी हुई है, इसका नाम है इंदु, ठीक है भाई। ये 70 लाख का घोटाला करके भागी हुई है, ठीक है, इसका नाम है इंदु, इंदु नाम है इसका मैडम का, एवी इंटरनेशनल फेक, ये इंदु मैडम है। 70 लाख रुपए का घोटाला करके भागी, कितने गरीब का पैसा लेके भागी हुई है। इसने नकली वीजा लगवाया मंगोलिया का और किस काफी लड़कों का पासपोर्ट ये लेके बैठी हुई है, ये जो है ऑफिस बंद करके फरार है भाई। इसका ऑफिस जो है प्रीतमपुरा में था, प्रीतमपुरा में ये लाइन नंबर है, ठीक है, लाइन नंबर है। इसका नाम है इंदु, इंदु नाम है इसका। ये कितने लड़कों का पासपोर्ट लेके फरार हुई है और 70 लाख का घोटाला करके फरार हुई है ये मैडम। पंजाब की रहने वाली, इसकी हरियाणा में शादी हुई है। ये वीडियो आप देख लिए दोस्तों, इसमें ऐसे फ्रॉड हुआ है। मान जाइए ये जो लेडीज थी ना वहां पे काम करती थी और ये अपना एक फेक ऑफिस खोली थी, वैकेंसी खोली थी एबी इंटरनेशनल प्राइज के नाम से। और इस ऑफिस से ना छोटे छोटे एजेंट लोग जुड़ के मिल के काम करते थे और ये एजेंट लोग मान लीजिए आपसे या मेरे से पासपोर्ट और पैसा लेके इस ऑफिस में जमा किए थे, ये उम्मीद लेके कि ये ऑफिस वाला अच्छा है और यहाँ पे काम मिल जाएगा। लेकिन ये एजेंट लोग के साथ सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ है। जब इस ऑफिस वाले के पास 70 लाख रुपया और कुछ पासपोर्ट जुट गया तो ये फेक वीजा दे दी उस एजेंट लोग को और वहां से रातों रात ये ऑफिस अपना छोड़ के ये लोग भाग गए हैं। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ ना, ये जितना भी फ्रॉड एजेंट लोग है ना, इन लोग का खुद का कोई ऑफिस नहीं रहता है और ये लोग दिल्ली से बंबई से किसी बड़े ऑफिस से जुट कर ये लोग काम करते हैं, लेकिन ये लोग भी पता नहीं लगाते हैं ये ऑफिस वाला फ्रॉड है कि जेनुअर है दोस्त, क्योंकि इन लोग को पैसे से मतलब है दोस्तों। इन लोग को सबसे ज्यादा जहां पे पैसा मिलेगा ना, जो ऑफिस वाला सबसे ज्यादा कमीशन देगा
उसी का साथ ये लोग मिलके काम करते हैं और इसी के वजह से इन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। एजेंट लोग के साथ फ्रॉड तो हुआ, लेकिन जो एजेंट लोग जिन भाई लोग से पासपोर्ट लिए थे, अब उन लोग पे क्या गुजरेगा आप लोग समझ सकते हो दोस्तों। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग ऐसे किसी भी एजेंट या ऑफिस पे आप लोग भरोसा ना कीजिए जिस ऑफिस के बारे में आप लोग को मालूम ना हो। आप लोग 2-4 दिन इंतजार कीजिए, जैसे आप लोग इतना दिन इंतजार कर लिए ना, वैसे आप लोग 2-4 दिन और इंतजार कीजिए और लोगों से पूछिए ये ऑफिस वाला क्या अच्छा काम करता है कि नहीं करता है, फिर आप लोग वहां पे जाकर काम कराइए दोस्तों। आप लोग इस एजेंट लोग के चक्कर में पड़ोगे तो आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि आप लोग मान जाइए कहीं आप लोग काम किसी एजेंट के द्वारा या देवरिया या गोरखपुर या कहीं से भी आप लोग करा रहे हो ना, तो इन लोग के पास ना डायरेक्ट वीजा नहीं जाता है। ये लोग आपसे पैसा और पासपोर्ट ले लेंगे और आपका पासपोर्ट ये लोग कोरियर कर देंगे बंबई या दिल्ली में, और वहां पर वीजा लग गया तो लग गया, नहीं लगेगा ना। तो आप ये सोचोगे कि मेरा पासपोर्ट गोरखपुर में है, देवरिया में है, तो आप ये गलत सोच रहे हो। आपका पासपोर्ट गोरखपुर में नहीं है, आपका पासपोर्ट चल गया है बंबई दिल्ली में। जब वो ऑफिस वाला गोरखपुर भेजेगा तभी आपको पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग को काम कराना है गोरखपुर में या कहीं पर भी, तो पहले उस ऑफिस के बारे में जान जाइए क्या ये ऑफिस वाला अच्छा काम करता है कि नहीं करता है, या तो फिर आप लोग डायरेक्ट बंबई या दिल्ली ही जाके काम कराइए। लेकिन वहां पर जाने पर भी आप लोग 2-4 दिन टाइम वेस्ट कीजिए और लोगों से मालूम कीजिए यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा ऑफिस है, फिर आप लोग वहां जाकर काम कराइए दोस्तों, ठीक है। और मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाला अगर आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप लोग उसका विरोध कीजिए, आप लोग उसके ऊपर FIR कीजिए, क्योंकि जब हम लोग आवाज उठाएंगे मिलके ना, तो आने वाला समय में ये फ्रॉड करना थोड़ा कम कर सकते हैं दोस्तों। जब हम लोग आवाज उठाएंगे ही नहीं तो सरकार को कैसे मालूम चलेगा कि हम गरीब लोग के साथ भी ये लोग फ्रॉड करते हैं, क्योंकि जब हम लोग आवाज उठाएंगे तो मान जाइए आपके साथ फ्रॉड हुआ या मेरे साथ फ्रॉड हुआ, जब हम लोग आवाज उठाएंगे तो और किसी भाई लोग को मालूम चलेगा कि ऐसे ऐसे फ्रॉड होता है, और वो भाई लोग के साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा। और ये एजेंट और ये ऑफिस वालों को भी मालूम चलेगा कि अब जनता जान गई है हम लोग ज्यादा दिन तक फ्रॉड नहीं कर सकते, और हम लोग किसी भी ऑफिस पे जाएंगे तो हम लोग के साथ अच्छा काम होगा, फ्रॉड नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए मैं बोलता हूँ, आप लोग किसी एजेंट या किसी ऑफिस पे आप लोग फंस गए हो तो आप लोग एक वीडियो बनाइए, अपने फेसबुक पर छोड़िए या मत छोड़िए, आप लोग वो वीडियो बना के मेरे को दीजिए और पूरा डिटेल में बताइए आप लोग के साथ कैसे फ्रॉड हुआ है। वो मैं वीडियो अपने यूट्यूब द्वारा मैं लोगों को बताऊंगा कि कम से कम आपके साथ हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, आने वाला वक्त में और वो किसी भाई के साथ फ्रॉड ना कर पाए दोस्तों, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।